वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे हंगरी टी10 के दोस्तों आज के होने वाले फर्स्ट मैच के बारे में। दोस्तों आज का फर्स्ट मैच बीके और दोस्तों यूसीबी टीम के बीच खेला जाएगा। यह मैच दोस्तों ध्यान रखिएगा दोपहर के 12:45 से स्टार्ट होगा, ठीक ना। इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दोनों टीमों का अभी तक टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और आज के मैच में यदि आप स्मॉल लीग का टीम बनाओगे तो क्या दोस्तों उसका रेशियो होना चाहिए कॉम्बिनेशन का, ग्रैंड लीग में आप किस रेशियो के साथ रिक्स ले सकते हो, किस टीम को फेवर कर सकते हो, तो ये चीज हम लोग कैसे जानेंगे तो दोनों टीमों का परफॉर्मेंस को ध्यान में रखेंगे। बीके की टीम दोस्तों अभी तक टूर्नामेंट में 7 मैच के लिए, जिसमें दोस्तों इन्होंने देखो तो 4 मैच इनका दोस्तों लॉस रहा है और 3 मैच इन्होंने विन किया है। और वहीं दोस्तों यूसीबी की टीम अभी तक टूर्नामेंट में 8 मैच खेल चुकी है, जिसमें दोस्तों 2 मैच इनका लॉस रहा है और 6 मैच दोस्तों इन्होंने विन किया है। तो यदि दोनों टीमों का दोस्तों परफॉर्मेंस कंपेयर करोगे तो दोस्तों यूसीबी की टीम ने ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस किया है एज कम्पेयर टू बीके। रीजन क्या है दोस्तों, बीके के पास ना 2 से 3 मैक्सिमम दोस्तों इनके पास मैच विनर प्लेयर है, लेकिन यूसीबी की टीम देखो तो दोस्तों इनके पास 4-5 ऐसे प्लेयर है जो दोस्तों इनको मैच विन करवाने में पूरे टूर्नामेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कौन से प्लेयर दोस्तों दोनों टीमों के इंपॉर्टेंट रहेंगे और किसको आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में ट्राई करना है। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं शेयर कर दूँ, जो भी दोस्तों मैं अभी आपको कॉम्बिनेशन दूंगा उस कम्बिनेशन में दोस्तों कोई भी चेंजेस मेरे को करना होगा टॉस को ध्यान में रखते हुए, प्लेइंग 11 को ध्यान में रखते हुए, तो मैं आपको फाइनल कम्बिनेशन अपडेट करके टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो आप सभी दोस्त टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसका लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कॉमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, जिससे दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक ना दोस्तों। अब चलिए दोस्तों फोकस करते हैं इस मैच से रिलेटेड कॉम्बिनेशन पे, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग वीडियो विकेट कीपिंग सेक्शन से। विकेट कीपिंग सेक्शन में आइएगा तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन बी रविंद्रन का मिलेगा, जो दोस्तों आपके टीम में एनी हाउ होने चाहिए। रीजन क्या है दोस्तों, ओपन बैटिंग कर रहे हैं और लास्ट 3 मैच से दोस्तों आपको बॉलिंग भी कर रहे हैं। देखो ये पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, ठीक ना, आपको ये नहीं कि सभी मैच में बॉलिंग करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों लास्ट कुछ मैच से बॉलिंग कर रहे हैं, ओपन बैटिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए डेफिनेटली सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब सेकेंड ऑप्शन में दोस्तों आपको बी तजेंद्रन का मिलेगा, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना ये जो प्लेयर है ना बहुत ही स्लो खेलता है, आपको मैक्सिमम दोस्तों ये बैटिंग से ज़्यादा विकेट कीपिंग से पॉइंट देते हैं, सिलेक्शन हाई है, अभी आप टीम में रखना चाहते हो रख लो, मैं भी खुद रखूंगा, लेकिन मैं आगे आपको बॉलिंग सेक्शन से एक ऑप्शन बताऊंगा जो लास्ट 3 मैच से खेल नहीं रहे, यदि वो नहीं खेलते तो फिर आप इन्हें रख लेना, लेकिन यदि वो खेले तो फिर दोस्तों आपको इन्हें ड्रॉप करके रिस्क लेना चाहिए, ठीक ना, मैं आगे आपको शेयर ऑप्शन बताऊँगा। वीर तजेंद्रन भी देखो तो दोस्तों ओपन बैटिंग कर रहे हैं, बस यही इनका एक एडवांटेज है। अब बात करें दोस्तों हम लोग बैटिंग सेक्शन, तो के अहमद तो आपके टीम में होने चाहिए जितना भी टीम बना रहे हो। रीजन क्या है दोस्तों, फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएंगे, साथ ही साथ आपको 2 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करके देंगे। बैटिंग से तो उतना स्टिल परफॉर्मेंस नहीं आया है, लेकिन या बॉलिंग से इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फिर नीचे आएगा दोस्तों बोमी सती, ये भी दोस्तों एज अ बैट्समैन आप इनको तो ट्राई ही मत करना, बैटिंग से 10 रन भी स्कोर में भी ना करें, लेकिन या बॉलिंग से दोस्तों आपको 2 ओवर कंप्लीट बॉलिंग के साथ साथ 1 से 2 विकेट आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करते हैं। फिर नीचे आएगा एस मेहता, बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं दोस्तों, लास्ट 3 मैच देखो तो कमाल के इन्होंने बॉलिंग किया है पूरे टूर्नामेंट में, तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, और ये भी आपको डेफिनेटली 100% रखिए कि 2 ओवर बॉलिंग करके ही देंगे। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको एस टेंडला का ऑप्शन मिलेगा, स्टेंडला को दोस्तों देखो बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से आप इन्हें टीम में रख सकते हो, यदि आपको ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आता है फिर दोस्तों आप कंसीडर करना, यदि दोस्तों इनका बैटिंग ऑर्डर आपको नीचे दिखता है ऐसे बैटिंग ऑर्डर में आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, फिर दोस्तों वहाँ पे आप इन्हें रिक्स ले सकते हो ड्रॉप करके। अब लास्ट मैच में इन्होंने डेफिनेटली 40 रन स्कोर जरूर किया है, लेकिन उससे पहले दोस्तों इन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है, बिकॉज दोस्तों हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर है, ऐसे प्लेयर का दोस्तों यदि दिन रहता है तो आपको 40-50 कर जाता है, नहीं रहता है तो दोस्तों आपको 1 रन 2 रन 10 रन इस तरह से भी करके आउट हो जाता है।
फिर नीचे दोस्तों आपको जे मुरल का ऑप्शन मिलेगा। बैटिंग फर्स्ट में दोस्तों आप क्या करना है, एस टंडला के जगह इन्हें ट्राई कर लेना यदि दोस्तों यूसीबी की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है। बैटिंग सेकंड में रहने देना, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में हाई चांस है कि इनका बैटिंग आ जाएगा, तो आपको दोस्तों 20 रन 25 रन स्कोर करके जा सकते हैं। नीचे दोस्तों आपको एस मंदू का ऑप्शन मिलेगा, जीएल में कंसिडर कीजिएगा। 3 नंबर पर बैटिंग करने आएंगे, उतना अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक नहीं रहा है, इसलिए मैं स्मॉलिंग में आपको नहीं बोल रहा हूँ। अब बात करें दोस्तों हम लोग डायरेक्ट ऑलराउंडर सेक्शन, तो ए दारापुर रेड्डी आपके लिए सभी कॉम्बिनेशन में डेफिनेटली मस्ट इंपॉर्टेंट पिक है, और कैप्टन भी दोस्तों कर सकते हो, क्योंकि इस मैच में ना दोस्तों इनसे बेटर कोई कैप्टन का ऑप्शन ही नहीं है, तो ग्रैंड लीग में दोस्तों बेस्ट है। यदि आप 5 कॉम्बिनेशन बना रहे हो, 5ों महीने कैप्टन कर देना, बस वाइस कैप्टन और प्लेयर को रोटेट करो, ग्रैंड लीग का आपका बेस्ट टीम बन जाएगा। थोड़ा सा ये सब मैच में ना आपको ध्यान रखना होता है कि मान के चलो आपको मालूम है सभी लोग दारापुर रेड्डी को ही लेके आएंगे कैप्टन, तो आपको भी लेके जाओ, और रिक्स कहाँ लेना है तो प्लेयर को रोटेट करो, वाइस कैप्टन रोटेट करो, जीएल में बेस्ट टीम एक ना एक बन जाता है। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको जी परसोमी का ऑप्शन मिलेगा, स्मॉली के दोस्तों इस मैच के सबसे बेस्ट और सेफ ऑप्शन है, जिन्हें आप वाइस कैप्टन कर सकते हो, फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएंगे, साथ ही साथ आपको 2 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करके देंगे। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको एस रामचंद्रा का ऑप्शन मिलेगा, बैटिंग से आपको बहुत ज़्यादा स्माइल नहीं करेंगे, लेकिन या बॉलिंग से आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करके देंगे, बॉलिंग से इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है, सभी मैच में 2-2 ओवर का बॉलिंग, साथ ही साथ आपको विकेट भी ले रहा है। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको एस सचिन का ऑप्शन मिलेगा, सचिन दोस्तों देखो इनको ना सभी मैच में बॉलिंग मिलता नहीं है, ये इनका दोस्तों सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा टीम में आप रख रहे हो तो दोस्तों सभी की टीम में फिक्स मत करना, आप इन्हें रोटेट कर लेना रिक्स लेना हो तो, ठीक ना, क्योंकि मान के चलो बॉलिंग किए नहीं, बैटिंग दोस्तों ऐसे भी ये नीचे करने आते हैं, तो फिर दोस्तों आपको फैंटेसी पॉइंट तो देंगे भी तो बहुत कम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। फिर नीचे दोस्तों बीगल हुआ, इन्हें आपको ट्राई करना नहीं है। हाँ, नीचे से यदि एस त्यागी खेलता है 8% सिलेक्शन है भाई, आपके टीम में होने चाहिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों लेफ्ट आर्म बॉलर है, अच्छा बॉलर है, पावर प्ले में बॉलिंग करता है, इसलिए थोड़ा सा विकेट कम मिलता है, लेकिन इस मैच में इंपॉर्टेंट रहेंगे, यदि खेलेंगे तो 2 ओवर तो 100% है कि बॉलिंग करेंगे, और मैं इन्हें टीम में अभी रख भी रहा हूँ, नहीं खेलेंगे तब दोस्तों हम लोग ड्रॉप करने का सोच सकते हैं। अब बात करें दोस्तों हम लोग बॉलिंग सेक्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों आपको मिलने वाला है जी अब्बास। जी अब्बास दोस्तों लास्ट 3 मैच से खेल नहीं रहा है चोट की वजह से दोस्तों, यदि ये नहीं खेलता है तो फिर ठीक है, लेकिन यदि ये खेलेगा तो जैसा मैंने बोला था विकेट कीपिंग सेक्शन से मैं भी तजेंद्रन को ड्रॉप करूंगा और दोस्तों जी अब्बास को अपने टीम में रखूंगा। भी तजेंद्रन दोस्तों आपको ओपन बैटिंग करेगा और जी अब्बास खेलेगा तो ओवर नंबर 1 नहीं तो दोस्तों ओवर नंबर 2 तो डेफिनेटली आपको बॉलिंग करने आएंगे, बहुत ही इनका कमाल का परफॉर्मेंस रहा है जितना भी मैच इन्होंने टूर्नामेंट में खेला है, तो इसलिए दोस्तों आपको इन्हें इग्नोर तो करना भी नहीं है, ठीक ना, ना खेले तो फिर रहने देना, जो मैंने ऑप्शन लिया है उनके साथ आप चले जाना। फिर नीचे से लास्ट ऑप्शन है बॉलिंग सेक्शन से, अभी के लिए जेवन अपुली को रख रहा हूँ, 2 ओवर आपको बॉलिंग करके देंगे, देखो लास्ट 3 मैच इनका उतना अच्छा रहा नहीं है, लेकिन बॉलिंग सेक्शन से आपके पास इनके अलावा कोई बेटर ऑप्शन इस मैच में है भी नहीं। जी अब्बास खेलते तो डेफिनेटली बेटर ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि वो अभी खेल नहीं रहे लास्ट 3 मैच से, इसलिए मैं इन्हें ही टीम में रख रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ 2 ओवर आपको बॉलिंग करके देंगे। बॉलिंग फर्स्ट यदि बीके की टीम करती है तो सभी टीम में आप इन्हें रख लेना, बॉलिंग सेकेंड करें तो आप दोस्तों इनके जगह अदर प्लेयर जैसे दोस्तों ए छनाका को भी ट्राई कर सकते हो, यदि खेलता है तो खेलेगा तो एटलीस्ट 1 ओवर आपको बॉलिंग कर सकता है, 2 ओवर दोस्तों इसे बहुत ही कम मैच में मिला है बॉलिंग, 1 ओवर बॉलिंग दोस्तों आपको कर सकता है, तो आप इन्हें भी कंसिडर कर सकते हो। फिर नीचे दोस्तों आर राजेंद्रन बॉलिंग दोस्तों बहुत ही कम मैच में मिलता है, तो इसलिए आपके लिए डेफिनेटली रिक्सी ऑप्शन है, ड्रॉप करके चलना। और नीचे से एफ अतीफ हो गया या दोस्तों एफ फेरल हो गया, ये दोनों में से दोस्तों कोई भी बॉलर खेलता है तो डेफिनेटली आपको 1 से 2 ओवर बॉलिंग करके देगा। प्लेइंग 11 में दोस्तों आप ये चीज़ आराम से देख सकते हो कि यूसीबी की टीम दोस्तों इस मैच में कितने बॉलर के साथ आ रही है, यदि 5 बॉलर दोस्तों ये दोनों को छोड़ के हो तो समझना ये सब आपको बॉलिंग नहीं करेंगे, बट यदि 5 बॉलर नहीं पुरता है और ये दोनों में से दोस्तों कोई एज ए 6 बॉलिंग खेलता है तो डेफिनेटली दोस्तों ये आपको 1-1 ओवर बॉलिंग करके देंगे, तो ये दोनों प्लेयर को टोटली इग्नोर मत कीजिएगा, आप एटलीस्ट रोटेट जरूर कर लीजिएगा, यदि ऊपर से जी अब्बास खेल जाते तो फिर आपको किसी को सोचना भी नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूँ इस मैच में खेले। चलिए अब बात करें दोस्तों इस मैच से रिलेटेड कैप्टन बी सी ऑप्शन, तो कैप्टन दोस्तों ऑलरेडी मैंने बोला दोस्तों ए दारापुर रेड्डी से सच बोलूँ तो कोई भी बेस्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक ना, अब वाइस कैप्टन के लिए यहाँ पे आप रिक्स लोगे, मेरे पास 2 बेस्ट ऑप्शन है, एक तो दोस्तों के अहमद का बेस्ट ऑप्शन है
और सेकेंड बेस्ट ऑप्शन में दोस्तों मैं जी पलास्वामी को करने वाला हूँ। मैं अभी के लिए दोस्तों इन्हीं को कर रहा हूँ, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में दोस्तों कियामत ध्यान रखना डेथ में बॉलिंग करेगा, तो आप चाहो तो रिक्स ले सकते हो। जीएल में आप क्या कर सकते हो, बी रविंद्रन, यदि दोस्तों यूसीबी की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो एज अ वाइस कैप्टन आप इन पर रिक्स ले सकते हो जीएल में, बिकॉज कोई करके नहीं आएगा, और करके आएगा भी तो दोस्तों बहुत ही कम लोग करेंगे, तो जीएल में आप इन पर रिक्स ले सकते हो। बॉलिंग सेक्शन से ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, यदि जी अब्बास खेलता है तो बेस्ट ऑप्शन है कैप्टन बीसी के लिए। अभी के लिए दोस्तों आप लोग इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखिए। टॉस के बाद दोस्तों इस टीम में कोई भी चेंजेस करना होगा प्लेइंग 11 को ध्यान में रखते हुए, तो मैं आपको फाइनल कॉम्बिनेशन फिर से अपडेट करके टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक ना। आप सभी दोस्त टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कॉमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों अब बात करते हैं इस मैच से रिलेटेड हम लोग अपने गिव अवे क्वेश्चन के बारे में, तो दोस्तों आपको इस मैच में बताना है कि ए दारापुर रेड्डी कितना रन स्कोर करेगा। अब दोस्तों देखो सिंपल बोलूं तो ए दारापुर रेड्डी सामने एक वीक टीम है, तो डेफिनेटली आपको बड़ा स्कोर करके देने वाले हैं, तो और स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में, तो मैंने आपको हिंट्स दे दिया, आपका जो भी आंसर होगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लिखना कैसे है, हैशटैग शर्मा फैंटेसी ग्रुप पहले लिखिएगा, फिर नीचे दोस्तों ए दारापुर रेड्डी रख के उनका आपको जितना लगता है कि वो इस मैच में स्कोर करेंगे आप उनका स्कोर लिखिएगा, ठीक ना। और हाँ, कमेंट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों यदि आप विनर बने तो आपका जो आईडी है यूट्यूब आईडी उसका मेरे को ईजिली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज़, यदि अभी तक आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का घंटी नहीं बजाया तो दोस्तों नोटिफिकेशन का घंटी जरूर बजा दीजिएगा, जिससे दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक ना दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट टीटीएन के वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर एंड बाय।